पॉइंट ऑफ आईकिया थोड़ा एक्सपेंसिव है, 3 पीस 25,000 के हिसाब से. अकेले जो हम लोग देखने आ रहे हैं, इट्स क्लासी, जैसा ये श्रीमती जी कह रही हैं, क्लासी. ठीक है, देखेंगे आगे और क्या क्या है. कपबर्ड्स, किचन ड्रॉप्स, किचन वार्डरोब्स, क्रॉकरीज के लिए, मिरर के लिए, सामने कर्टेंस. ये सेम का कलर है, ये थोड़ा वाइड है. चलो, हाँ तू रोज इनती है तो क्या खबर है रेट घटा. श्रीमती जी ऐसा कर रही है जैसे रोज इनका यहाँ आना जाता है. खाना ये सस्ता है, ये सस्ता है, वो सस्ता है, ये महंगा है. कि नखरे तो लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं. थोड़ा फ्लोर उस तरफ पर रेस्टोरेंट है, पीछे की साइड है. थोड़ा सा एंट्रेंस पॉइंट पे ही आपको रूम डेकोर के हिसाब से दिया. सर नहीं लेना है फिर भी ट्रॉली चाहिए इनको, कुछ ना कुछ तो लेंगे ही लेंगे पक्का. घर के इंटीरियर के लिए आपको यहाँ पे आईकिया में बहुत सारा सामान मिल जाएगा. आईकिया नाम भी बहुत पॉपुलर है, फेमस है, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. ऐसे प्लेसेस, ऐसे लोकेशंस बहुत कम रहते हैं इंडिया में. ऐसा इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फर्नीचर मॉल इन हैदराबाद. लोग अपना अच्छा है, बहुत इंटीरियर, आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने प्राइसिंग के हिसाब से आप इंटीरियर करा सकते हैं. हर चीज़ का रेट लगा हुआ है. ये एक बेड, वार्डरोब, प्राइस है 10,000 rupees 9,457. इधर पे है डाइनिंग का सिस्टम, ये तो कुशन बेड्स, ये के लिए डाइनिंग के लिए बहुत ब्यूटीफुल. इनकी इंटीरियर की टीम रहती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे. एग्जैक्टली सेम डिटेल्स आप उनको देंगे तो आपके घर का इंटीरियर सेम ऐसा करके देंगे. इंटीरियर में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. ये डाइनिंग हॉल के हिसाब से बनाया है, बहुत प्यारा है. हर किसी की ख्वाहिश रहती है ऐसा डाइनिंग हॉल हो उसके घर में. देखेंगे हमारा कैसा रहता है किस्मत. ये है सिटिंग रूम, अगर आप चाहें तो ऐसा इंटीरियर कर सकते हैं सिटिंग रूम का. ऐसा रूफ, लाइट्स, कैबिनेट, टीवी लगा हुआ है, टेबल, सोफा, काउच, दो जनों के लिए. कितना प्राइस है इसका? ये भी 26,000 का है. इससे अच्छा तो फिर वो बाहर वाला था 25,000 में. दूसरे एंगल से लुक इधर आने के बाद रूम तो अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं अगर ऐसी ही लाइटिंग और ऐसा ही बेड हो. आप किचन कैसा बना सकते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे एक डेमो मॉडल है. ये गैस के लिए, ये तो पहले भी देखा था. हाँ, ये पोर्शन है थोड़ा लिविंग एरिया के लिए. लिविंग मतलब आपके बालकनी या कॉरिडोर एरिया, अगर आपको डेकोरेट करना है तो उसके लिए कॉरिडोर को अच्छा सजा सकते हैं आप इस तरह से. हम लोग पूरा रूम इंटीरियर और घर के इंटीरियर के हिसाब से आए हैं यहाँ पे. कुछ अगर पसंद आएगा तो हम लोग जरूर लेंगे. और इंटीरियर के लिए भी हम लोग यहाँ बात करने आए हैं क्योंकि हमारा फ्लैट रेडी होने वाला है, तो उसके इंटीरियर के लिए हमें इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है. तो यहाँ पे मॉडल भी देख लेंगे और डिस्कस भी हो जाएगा. इंटीरियर अलग है हर कमरे का. हाँ, ये लिविंग रूम के लिए ही है. जहाँ पे टीवी और कैबिनेट दिख जाए मतलब लिविंग रूम के लिए ये मॉडल आप कर सकते हैं. ये अपन फिर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इसमें. लिविंग रूम थोड़ा डिस्टेंस से कैसा दिखेगा उसका एक व्यू. ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें हम इंटीरियर अपना चेंज करा सकते हैं. लिविंग रूम के लिए, किचन के लिए, डाइनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे अवेलेबल है. तो अपने चॉइस के हिसाब से आप उसको चेंज करा सकते हैं. कॉस्टिंग भी उस हिसाब से पड़ेगी. वार्डरोब वुडन का, ये सेम का होता है जो अपन ने नीचे देखा था, वही है, सेम है उसका कलर है. इसी के दो पीस नीचे रखे हुए थे देख, पीछे डाइनिंग हॉल. वाव, ब्यूटीफुल. ये वाला सबसे ज़्यादा अभी तक हमें बहुत अच्छा लगा. सेटिंग बहुत अच्छी है, कलेक्शन कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छा है. स्ट्रॉन्ग टेबल, स्टडी टेबल,
लिविंग रूम और डाइनिंग को अच्छा सेट कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपका स्पेशियस है तो डाइनिंग और लिविंग दोनों बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं। ऐसा मिरर विंडो भी आप कैसे रहेंगे, बहुत अच्छा ओवर व्यू। काउच सोफा अच्छा का सरप्राइज है, 60,000 रुपीस। ये थ्री पीस थ्री सीटर ये पोर्शन पूरा सोफास का है, सोफास काउच यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा दो सिंगल वाले भी लेती ना तो दो ऐसे लेने पड़ते, सिर्फ एक क्या रखती। दिस इज बिग सोफा, उधर किस में खैरताबाद में रहते थे, वहां पे बनाता था देखे सोफा, याद है। ये अगर एक स्टैंडर्ड लिविंग रूम बनाना है तो उस हिसाब से केन का सोफा, वुड का सोफा, फ्रेम, लैंप, शेड्स थोड़ा रिसेंट दिखेगा, मस्त दिखेगा अगर आपका छोटा सा है, बजट कम है तो। लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। अभी तक इंटीरियर वालों से हमने बात नहीं करी है, जब उनसे बात करेंगे तब पता चलेगा एक्चुअल में कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी। डाइनिंग ड्राइंग ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, पता नहीं ये सब यहाँ अच्छे लग रहे हैं कि शायद घर में भी अच्छे लगेंगे। अगर घर का इंटीरियर आप ऐसा करोगे तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बिल्डिंग ऐसे रहना चाहिए। ये सोफा, ये सेंटर टेबल, वार्डरोब्स, साइड टेबल, टीवी के कैबिनेट्स, वन ऑफ द बेडरूम डिजाइंस, कस्टमाइज करने के लिए बहुत कुछ है इसमें। ये छोटा बेडरूम जो रहेगा उसको अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से, बेड डोर हो सकता है। अगर आपका छोटा सा किचन है, लेंथ में ज्यादा है तो ऐसा ही सेम करा लो, नहीं तो अगर आपको छोटा भी है किचन तो ऐसा मॉड्यूलर कर सकते हो। मॉड्यूलर की प्राइस जो लिखी हुई है 2 लाख रुपीज लिखी हुई है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ तो कम करके कुछ एडजस्टमेंट करके आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं एक्सपेंस को। बट ये बहुत अच्छा है, छोटे से किचन में बहुत अच्छी जगह है। तो इतना सब कुछ अगर अभी तक हम लोग घूमते रहे आईकिया में, अभी तक हम लोग घूम रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी इतना मतलब सब कुछ पसंद आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो पसंद आए, तो कॉस्टिंग तो आपकी बढ़ती रहेगी अगर आप इंटीरियर का सामान यहाँ से लेते रहेंगे तो। लेकिन बहुत बहुत महंगा भी है, कुछ सामान तो हमें बहुत ज़्यादा महंगे लगे जो बाहर से ज़्यादा कॉस्टली। फर्नीचर वर्ल्ड है बोलते हैं, यहाँ पे सब कुछ क्वालिटी का मिलता है लेकिन कॉस्टली बहुत है। देखते हैं आगे क्या क्या है। हॉल के लिए सिंक लगाना है या वॉशरूम के बाहर लगाना तो इस तरह से बहुत अच्छा एडजस्ट होता है। एक और सिटिंग एरिया भी काफी अच्छा है, टेबल किचन का डेकोरेशन $28,000। लिविंग रूम ऐसा बना सकते हैं,
आपको ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो, लेकिन एक से एक ब्यूटीफुल है। जितने चाहे आप चेंजेस करा लो अपने घर में, ऐसे चेंजेस अगर आप कराएंगे तो आपको पक्का रहने का मन करेगा उस घर में। ये लैम्प शेड, यहाँ पे भी कॉर्नर में भी लैम्प शेड है, वॉल्स पेंटिंग, पर्दे, वॉशरूम के लिए ऑप्शन, अगर छोटा एरिया है तो इस तरह से वॉशरूम बना सकते हैं, वहाँ पे पीछे शावर, यहाँ पे कम्बोड, यहाँ पे ड्राई एरिया, ये आपका किचन कैबिनेट, किचन का एरिया। कंजेस्टेड एरिया में आप अपने बेडरूम और हॉल को और किचन को और डाइनिंग को और ड्राइंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, छोटे से हॉल में भी आप अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। यह किचन मॉड्यूलर किचन 1 लाख बजट के अंदर, रैक्स लगे हुए हैं, थोड़ा अच्छा अंदर डेकोरेशन है, इस तरह से रैक लगे हुए अंदर, तो 98,000 एक्चुअल में इसका प्राइस है 98,472 जो यहाँ पे आइटम्स हैं, और जिसमें आप ये आइटम्स अगर कम करते जाएंगे तो आपको कॉस्ट कम करता जाएगा। बहुत अच्छा है 98,000 रुपीज़ में, ऐसा किचन आप नहीं बना सकते 98,000 रुपीज़ में। बंक बेड्स, सीधा बेड टच हो रहा था ना सर, फिर हाइट कम है ना। 3 टाइप ऑफ बंक बेड्स, 4 टाइप एक्चुअली, वन इज विद द स्टडी टेबल, 2 आर विद द बेड्स। बंक बेड के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो हैं वो बुरे भी नहीं हैं। ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप्स इस बोर्ड के पीछे। लोअर एरिया में अगर आप आएंगे तो आपको कुशंस, कर्टेन, क्रॉकरीज ये सब मिलेगा, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे डिज़ाइन है, बहुत अच्छे, कॉस्ट भी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन ठीक है ये आइटम्स तो आपको इससे कम में नहीं मिलेंगे। जैसे अगर ये 250 की मैं बात करूँ, 250 में आजकल क्या मिलता है, अच्छा ये कुशन, पिलोज, कुशन सब कुछ मिलेगा, क्रॉकरीज का आइटम मिलेगा, टॉवल मिलेगा, फ्लोर मैट मिलेगा, सब कुछ है। ओरिजिनल फ्लावर्स भी अवेलेबल है, नकली के साथ साथ ओरिजिनल भी है। करो भाई करो, अपना घर डेकोरेट करो, पैसे लेके आओ, खाली होके जाओ, लेकिन इतना सब कुछ लेके जाओ। इधर भी है देख, ये अपने लॉन में लगाने के लिए होंगे, लोगों के लॉन में, हमारे पास तो नहीं है।